क्या आपने मैजिक जॉनसन, माइकल जॉर्डन, सतनाम सिंह और अनीता पॉल दुराई जैसे नाम सुने हैं? अगर आप बास्केटबॉल को पसंद करते हैं तो ये नाम आपने पक्के से सुने होंगे, क्योंकि ये बास्केटबॉल के फेमस प्लेयर्स के नाम हैं जिन्हें हर बास्केटबॉल प्लेयर फॉलो करना चाहता है और इनकी तरह बेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। ऐसे में अगर आप भी बास्केटबॉल गेम में इंटरेस्ट रखते हैं और एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने की चाहत रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं बास्केटबॉल प्लेयर बनने से जुड़ी सभी खास और जरूरी जानकारियाँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं और बास्केटबॉल प्लेयर बनने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपका पैशनेट होना जरूरी है। आप भले ही कोई भी गेम खेले, लेकिन आप उस खेल के बेस्ट प्लेयर तभी बन सकते हैं जब आप उस गेम के लिए पैशनेट हो, वो गेम खेलना आपको बहुत पसंद हो और उसे खेलते हुए आप बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करते हो। ऐसा ही बास्केटबॉल के साथ भी है, यानी इस गेम से जुड़े बाकी सभी स्किल सीखने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप इस गेम को कितना पसंद करते हैं और इस गेम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कितना हार्डवर्क और पैशन रख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले बी पैशनेट अबाउट योर गेम, ये बात ध्यान में रखिए। आगे दूसरा स्टेप आता है कि गेम के सारे रूल्स अच्छे से याद रखिए। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी होता है। ऐसा ही बास्केटबॉल गेम में भी होता है, इसीलिए इस गेम का एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए ये जरूरी है कि बास्केटबॉल से जुड़े सारे रूल्स यानी कि सारे नियम आपको अच्छे से याद हो और आप उन्हें हर बार फॉलो करते हुए गेम खेले। तीसरा स्टेप आता है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देना चाहिए और अपने वर्कआउट में पुशअप्स और जंपिंग को भी शामिल करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक प्लेयर के लिए मेंटली फिट होना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक प्लेयर में फोकस और अटेंशन की कमी हो और अगर वो सही टाइम पर रिस्पॉन्स देने में भी चूक जाता हो तो ऐसा प्लेयर कभी भी एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि एक प्लेयर का हमेशा अलर्ट, एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी बने रहना बहुत जरूरी होता है। आगे चौथा स्टेप है कि ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बास्केटबॉल गेम में बॉल को ड्रिबल करना होता है और इसे ही एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने का पहला प्रैक्टिस सेशन कहा जा सकता है। इसीलिए एक बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपको ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते रहनी होगी और इस दौरान आपका पूरा ध्यान ड्रिबलिंग पर ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस और अटेंशन के साथ आप ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप बास्केटबॉल खेलने में बेहतर होते जाएंगे। इसीलिए ड्रिबल करने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे बेहतर ड्रिबल कोई ना कर पाए। आगे पांचवा स्टेप आता है कि शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। ड्रिबल करने में एक्सपर्ट बनने के बाद अब बारी शूट करने की है, यानी अब आपको बॉल को ऐसे हवा में थ्रो करने की प्रैक्टिस करनी होगी जिससे वो सीधे बास्केट में जाए। इसके लिए आपको लगातार सही टेक्निक यूज करते हुए प्रैक्टिस करनी होगी। शूट करते समय आपकी बॉडी बैलेंस हो और आपकी आंखें बास्केट पर टिकी हो। आपका कंसंट्रेशन और अवेयरनेस भी शूटिंग पर बने रहना काफी ज्यादा जरूरी होगा। एक हाथ से शूट करने की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने कोच से गाइडेंस तो मिलेगी ही, साथ ही आप चाहे तो इस गेम के स्टार प्लेयर्स की शूटिंग स्किल को ऑनलाइन देख करके भी अपना गेम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे छठा स्टेप आता है, पासिंग और डिफेंस स्किल्स भी इम्प्रूव करनी होगी। बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपको बेस्ट पासर बनने की कोशिश भी करनी होगी, तभी आप सही टाइम पर अपने टीममेट को बॉल पास करके गेम को अपनी टीम के फेवर में ला सकेंगे। इसके लिए आप टू हैंड चेस्ट पास, बाउंस पास और ओवरहेड पास की प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ आपको डिफेंस स्किल्स भी डेवलप करनी होगी, जिनकी मदद से आप बास्केटबॉल कोर्ट पर टीम को डिफेंस कर सकते हैं और अपोजिट टीम के प्लेयर को बॉल शूट करने से रोक सकते हैं। आगे सातवां स्टेप आता है कि एक टीम प्लेयर की तरह खुद को तैयार कीजिए। अगर आप एक बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको ना केवल एक बेहतरीन शूटर और पासर बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बल्कि आपको टीम के प्लेयर के रूप में खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसा प्लेयर जो गेम से जुड़ी हर स्किल में एक्सपर्ट हो और हर मूव से पहले टीम के बारे में सोचे और कोऑर्डिनेशन के साथ ही गेम खेले। इसीलिए एक प्लेयर बनने की बजाय एक कॉन्फिडेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम प्लेयर बनिए। तो दोस्तों, अगर आप स्कूल लेवल पर ही बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दे तो एक टीम का हिस्सा रहते हुए स्कूल और कॉलेज में बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना और इस गेम में आगे बढ़ते जाना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है।
इसीलिए अगर आप बास्केटबॉल गेम को पसंद करते हैं तो स्कूल लेवल पर ही इस गेम में एक्सपर्ट होते जाइए, क्या पता आगे चलकर ये गेम आपको एक बेहतरीन करियर और बहुत सारा फेम दिला दे। और अगर आप इंटरेस्ट के तौर पर इस गेम को खेलना सीखना चाहते हैं तो भी आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी गेम को कभी भी खेला जा सकता है और खेलने से आपकी बॉडी और माइंड भी फिट रहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आप जरूर खेलिए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि बास्केटबॉल प्लेयर बनने से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और बास्केटबॉल प्लेयर बनने में आपकी मदद भी कर पाएगी। और आगे भी ऐसी इनोवेटिव जानकारियां जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, साथ ही जो बेल आइकन नजर आ रहा है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर कीजिए। आगे किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।